अपने अंदाज को भी लालू यादव ने मजाकिया अंदाज में बयां किया। क्या कुछ लालू का कहना है, किसी से पीछे नहीं रहने वाले हैं लालू, सुनिए आप भी। हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दी निकल गई, आजब चले तो सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए। प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन है, अभी निकल जाए। हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते हैं। फ्लाइट का टाइम आ गया। लव हिम हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम, ऐसा ही एक राजनेता है और वो है बिहार के लालू प्रसाद यादव। मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, विपक्ष अपनी एकजुटता दिखा रहा है। लालू यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। अपने भाषण से चर्चा में रहने वाले लालू यादव के मंच पर पहुंचते ही सभी नेता ठहाके लगाने लगे। लंबे समय से सभी को इंतजार था अपने प्रिय लालू यादव का, और उन्होंने मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जमकर मोदी सरकार पर अपने अंदाज में हमला बोला। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्र लोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा। पहुंच तो जाओ, हाँ दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का, अमेरिका अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई एक देश में घूमे, इनको अवसर मिला है तो ये भी देख लेगा कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं। आगे दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। लालू यादव ने इसरो के वैज्ञानिक से अपील कर दी कि मोदी जी को अब सूर्य पर पहुंचा दो। खैर एक बात तो अच्छी हुई कि सभी पार्टियों को एकजुट करने में विपक्ष को परेशानियां तो बहुत हुई होंगी, लेकिन अब लालू के पहुंचने से ये तनाव जरूर कम होगा। इंडिया गठबंधन की दूसरी मीटिंग में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आडवाणी की गिरफ्तारी को भी अपने अंदाज में बयां किया, आप भी सुनिए। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लड़ते आ रहा हूं, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से, आपके और आपके गुरु कौन अध्यक्ष है वो, नहीं नहीं उनके पार्टी के अध्यक्ष जी, अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई, अरे अभी जो है मुझे अमित शाह बताओ, ये कहाँ के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया होगा भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में, गुजरात में हुए दंगे को लेकर के भी मोदी सरकार को लालू यादव घेरते नजर आए, क्या कुछ बोले आप भी सुनिए। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लड़ते आ रहा हूं, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से, आपके और आपके गुरु कौन अध्यक्ष है वो, नहीं नहीं उनके पार्टी के अध्यक्ष जी, अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई, अरे अभी जो है मुझे अमित शाह बताओ, ये कहाँ के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया होगा भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में, भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे, और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना, और इनको इनका प्रवेश भी निषेध हो गया था विदेशों में, आप सब लोगों को मालूम है किस तरह का इनका इतिहास रहा है। 15 लाख के झांसे में आकर हमने भी अपने पूरे परिवार का खाता खुलवाया है, बदले में क्या मिल रहा है लालू जी देखिए।
हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 1500 गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया, जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सब देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे, आप लोग प्रेस के लोग भी, कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। इतना ही नहीं, लालू यादव ने मुंबई में अपनी लड़ाई और संघर्ष के बारे में बताया और साथ ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार पर जनता में भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया है। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं। और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़ करके आप लोग को सुनाया गया। मोदी जी को लेकर के लालू जी ने इसरो के वैज्ञानिक से भी अपील की, चंद्रयान 3 की शुभकामनाएं देते हुए बोले सूर्य लोक पर क्या बोले लालू, आप भी सुनिए। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्र लोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा, पहुंच तो जाए, वहां दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा, राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई एक देश में घूमे, इनको अवसर मिला है तो ये भी देख लेगा कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं। आगे दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। इतनी गरीबी है, गुरबा लोग हैं,